खोराबार पुलिस ने ऑपरेशन तमंचा के तहत फोटो वायरल करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि 11 अप्रैल को पुलिस टीम खोराबार मुखबिर की सूचना पर कोनी तिराहा के पास एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा पकड़े गए व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जमा तलाशी ली गई तो पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम जमुना निषाद पुत्र स्वर्गीय पुनवासी निषाद निवासी छितौना थाना खोराबार जनपद गोरखपुर बताया। जिसकी तलाशी ली गई तो पकड़े गए व्यक्ति के दाहिने हाथ से एक प्लास्टिक का झोला जिसका मुंह रस्सी से बंधा हुआ था बरामद हुआ। प्लास्टिक के झोले की रस्सी को सावधानी पूर्वक खोलकर देखा गया तो दो देसी रिवॉल्वर व एक देसी तमंचा बरामद हुआ। वहीं 11:30 बजे खोराबार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिस व्यक्ति का फोटो अवैध असलहे के साथ वायरल हुआ है वह व्यक्ति अवैध असलहे के साथ मिर्जापुर बंधे पर मुक्ति स्थल के पास खड़ा है। तब सूचना पर खोराबार पुलिस टीम के साथ उस व्यक्ति को तलाश करते हुए मुक्ति स्थल मिर्जापुर पहुंची, जो कि मुक्ति स्थल के पास खड़ा था तथा व्यक्ति पुलिस वालों को अचानक देखकर हड़बड़ाकर भागना चाहा कि पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दबिश देकर मौके पर ही पकड़ लिया गया, जिसके पास से एक अदद अवैध देसी तमंचा बरामद हुआ है, जिसकी पहचान सूरज निषाद पुत्र राम केवल निषाद निवासी छितौना थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबार थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक वीरेंद्र यादव, पंकज सिंह, हेड कांस्टेबल कौशल यादव, कांस्टेबल पिंटू प्रसाद, अजीत यादव, अभय यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, साथ एक व्यक्ति का फोटो वायरल हुआ था, उसी क्रम में जो है पुलिस जो है तफ्तीश कर रही थी, इसी क्रम में आज पकड़े गए हैं एक तो जमुना निषाद है, पुत्र स्वर्गीय पुनवासी निषाद निवासी छितौना थाना खोराबार, ये हिस्ट्री शीटर भी हैं, 58 वर्ष की आयु है। इनको गिरफ्तार किया गया है कोनी तिराहा से के पास से गिरफ्तार किया गया 5:30 बजे। इनके पास से दो अदद अवैध देसी रिवॉल्वर 32 बोर और एक अदद अवैध देसी तमंचा 315 बोर बरामद किया गया। इन पे पहले भी लगभग 12 मुकदमे हैं। मुखबिर की सूचना पर 11:30 बजे के आसपास जिस व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ था उसको भी गिरफ्तार किया गया। उसका नाम है सूरज निषाद, पुत्र राम केवल निषाद, निवासी छितौना थाना खोराबार। इसके पास से एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर का गिरफ्तार किया गया है। इन सबको जेल भेजा जा रहा है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जैसा मैंने बताया कि आपके जो जमुना निषाद हैं ये हिस्ट्री शीटर भी हैं और इनमें 12 लगभग 12 मुकदमे हैं, और जो दूसरा अभियुक्त है सूरज निषाद उसका आपराधिक इतिहास कंगाला जा रहा है, जैसे पता चलेगा आपको बताया जाएगा।